नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमने आप लोगों को बहुत सारे जानकारी में गुलर के फायदे बताए हैं और आज मैं आप लोगों को फिर से इसका फायदा बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुना होगा, जिसने गुलर का फूल देख लिया उसका भाग्य चमक जाता है। यह भी कहा जाता है कि गुलर का सेवन करने वाला व्यक्ति वृद्ध भी युवा हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी का घरेलू उपचार सिखाऊंगा, प्राकृतिक उपचार करना सिखाऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि हर वीडियो में बोलता हूं कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती। अभी आप लोगों को हम जो जानकारी सिखाते हैं आयुर्वेदिक जो पेड़ पौधों की, हम आप लोगों को गुण सिखाते हैं वो अभी नहीं, तो बाद में चल करके काम आते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे परेशानियां आ जाती हैं जिससे हमें पैसे से ठीक नहीं होते और इन घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो जो ये गुलर है ना, आयुर्वेद ग्रंथों में गुलर का पेड़ हेम दुग्धा जंतु फल सदा फल ये तीन नाम से जानते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं ये हेम दुग्धा क्यों बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें दूध हमेशा थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये पीला पीला निकलते रहते हैं फोड़ने से, ठीक है, इसलिए इसे हेम दुग्धा बोलते हैं। और गुलर के फूलों में ढेर सारे कीड़े होने के कारण इसे जंतु फल कहा जाता है, और 12 महीने जो फल देते हैं इसके कारण इसे सदा फल कहते हैं। तो यह 4 से 5 मिनट की वीडियो बनने वाली है। 5 मिनट के वीडियो में बताया गया जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएंगे। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ प्राकृतिक उपचार आप सीखे। यह जानकारी आप स्वयं नहीं करना चाहते, वीडियो देख रहे हैं तो दूसरे को बता सकते हैं। जानकारी जो होती है ना दोस्तों, हमेशा फायदेमंद ही होती है। और आप सभी को पता है, बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं ना, बड़े बड़े जो मेडिसिन वगैरह बेचते हैं, वो लोग भी जब परेशान हो जाते हैं ना, किसी भी प्रकार के जो बीमारियां आ जाती हैं, ठीक नहीं होते, तो वो लोग भी आयुर्वेदिक दवा को करते हैं। मैं हर वीडियो में बोला हूँ कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेदिक दवा आपको फायदे भी नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। इन पेड़ पौधों की जानकारी होना हमें बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हम बहुत सारे प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक फायदे को जानते हैं। इसे हिंदी में गुलर के नाम से जानते हैं और इसे संस्कृत में उदम्बर या फिर यंग्यांग या हेम दुग्ध या जंतु फल के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आज की यह वीडियो छोड़ करके जाएंगे ना आधे बीच में, तो अधूरे ज्ञान तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जानकारी ले तो पूरा ले। तो ये बवासीर की बीमारी में जड़ से समाप्त करने का काम करता है, ठीक करता है। गुलर की अगर दूध की 10 से 20 बूंदों को जल में मिलाकर के पिला दिया जाए तो खूनी बवासीर के जो रक्त निकलते हैं, जिसमें ज़्यादा खून निकलती है ना, खून निकलना बंद हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग ऐसा है कि इसके दूध को मस्से पर लगाने से मस्से भी जो होते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और इसके दूध को रुई में फाहा में भिगा दे और भगंदर पर लगाए तो बवासीर की बीमारी ठीक हो जाते हैं। मुंह के अल्सर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्ते के ऊपर में मिश्री के साथ पीस ले, ठीक है। गुलर के पत्ते के ऊपर के दानों को, जो छोटे छोटे दाने रहते हैं, उसे मिश्री के साथ में पीस ले और इसका सेवन करने से गर्मी कारण होने वाले मुंह के छाले अल्सर ठीक हो जाते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इसे वृद्धावस्था से छुटकारा पाने का तरीका बताया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को इससे ग्वाटर की बीमारी ठीक करने वाला सरल आसान तरीका बताऊंगा, जिसे हम गंठमाला के नाम से जानते हैं। तो गुलर के पत्ते के ऊपर में दाने को, जो इसके पत्ते के ऊपर में दाने रहते हैं ना, उसे चीनी में मिलाकर के पीस लें और इसे रोज एक बार शहद यानी कि मधुरस के साथ में पिला देने से जो गले की सूजन होते, गंठमाला के रोग रहते हैं ना, वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। ये दस्त को भी रोकता है दोस्तों। वीडियो को यहीं पे छोड़ करके नहीं जाना है, और भी इसका बहुत सारे फायदे बता रहा हूँ। तो 4 से 5 बूंद गुलर के दूध को बतासे में डाल ले और इसे दिन में 3 बार सेवन करे तो दस्त में लाभ मिलता है, दस्त बंद हो जाते हैं। तो यही थे कुछ इसके छोटे से जानकारियाँ जो कि आप लोगों के साथ में ये वीडियो मैं आप लोगों को इसका प्राकृतिक उपचार सिखाया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया इसके छोटे से प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। धन्यवाद।